मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि बैंक वाले आपके अकाउंट से कुछ पैसे ऑटोमेटिकली काट लेते हैं सर्विस चार्ज के नाम पर। ये आपको तो कुछ पैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन बैंक में काम करने वाला माइक जो कर्जे में डूबा हुआ है उसे एक रात में करोड़पति बना दिया। एक दिन जब एक बूढ़ी औरत खाता बुक लेकर आती है तो वो माइक से पूछती है कि क्यों उसके बैंक अकाउंट से हर हफ्ते कुछ पैसे कट जाते हैं। मैं तुम्हें जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे बता नहीं देते हो। इधर माइक अपने पिता की सर्जरी के बारे में चिंतित होता है, जिसके बाद वो खाता बुक लेकर उसमें देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि आजकल के लोग इन कुछ पैसों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बैंक में 50 लाख अकाउंट होते हैं। अगर हर हफ्ते एक अकाउंट में से एक रुपया भी निकाला जाए तो वो लाखों रुपए बन जाते हैं, और अगर हर महीने निकाला जाए तो वो करोड़ों बन जाते हैं। इतने पैसे तो कोई जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाएगा। माइक बैंक में काम करने वाला एक मामूली अकाउंटेंट है, इसलिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है बैंक अकाउंट से पैसे काटने की। उसके पास अब एक ही रास्ता बचा है, उसे एक्सिस को पाने के लिए बैंक के सेंट्रल मेन फ्रेम को हैक करना पड़ेगा। इसलिए जब वो घर पर आ जाता है तो वो अपनी प्रोग्रामिंग टैलेंट को दिखाने लगता है, जिससे वो एक वायरस कोड लिखता है, फिर उसे एक नकली ईमेल से जोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे बैंक के वाइस प्रेसिडेंट को भेज देता है। अब जब वाइस प्रेसिडेंट को ईमेल मिलता है तो वो उसे खोल देता है, जिसके बाद वायरस फौरन उसके कंप्यूटर में फैल जाता है।